अच्छा किसिंग सीन भी है पता मेरे बचपन की, मेरा बचपन का कह लो, क्रश ही कह लो यार, चलो कह लो यार। दीपिका फिर एक दफा सेक्सी बन गया आई ऐसे। भाई इंडिया जो है ना वो अपने झंडे को नहीं अकेला छोड़ता, ये बात तो माननी पड़ेगी। ऐसे लग रहा है जैसे मिशन इम्पॉसिबल आ गई है पार्ट 7 या 8। एनिमल ने जो है रिकॉर्ड किया, बिल्कुल। अब एनिमल के बाद मुकाबला करने आई है जो है डंकी आ गई है, अब डंकी के बाद एंड पे आएगी मेरे शहजादे की, हाँ। ऋतिक रोशन की, ठीक है, सही है। और जहाँ सारा स्टफ जो इंडियन है वो हम मिस कर रहे हैं, हाँ। अपने सिनेमाज में, और हमारे सिनेमाज भी उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं। हाँ। इंडिया जो है, इंडिया का कोई भी बंदा आप देख रहे हो ना वो बहुत आपको पेट्रियोटिक नजर आएगा अपनी कंट्री के लिए। तो ट्रेलर देख के मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे मूवी मिल जाए अभी। मैं वैसे इस बंदे का इतना बड़ा फैन था, आपने मेरी याद ताज़ा करवा दी वो बचपन वाली, कि मैं इसकी पिक्चर्स लेके घूमता होता था। हाय क्या बात। वैसे ऋतिक के फैन है, क्रिस से हम देख के थे, क्रिस से तो हम तो डाई हार्ड फैन है। ये अनिल साहब नहीं कहते बुढ़े होने है ना उफ अल्लाह, उफ जेट के साथ, ओए ओए यार क्या कमाल मूवी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, सवाल हमारा होगा आपसे कि हम लोग ऋतिक रोशन की बात करेंगे कि ऋतिक रोशन को बॉलीवुड इंडस्ट्री में कैसे देखते हैं? ऋतिक रोशन बॉलीवुड इंडस्ट्री देखे ना देखे, मैं तो भाई 8-10 साल से उस बंदे को देख रहा हूँ, हाँ। और मेरी गैलरी में उसकी ऑलमोस्ट हमेशा पिक्चर्स रही हैं, ठीक है? अभी तो एज थोड़ी इतनी बड़ी हो गई है कि अब जो है वो जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी आ गई हैं कि हम इस चीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। नहीं तो मेरे हमेशा गैलरी में, मेरी फेसबुक आईडी में, मेरी डीपी पे, फेसबुक डीपी, व्हाट्सएप डीपी, हर जगह पे ये बंदा जो है ना, मुझे लोगों ने टीज करना होता था कि ये भाई तू क्या यार जो है वो ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन। आपको फ्री वाला ऋतिक रोशन तो नहीं कहते? पता नहीं कहते हैं, कह देते हैं जिसका दिल करता है। आपको एक ट्रेलर दिखाने आए हैं फाइटर का, वो देखें और हम आपको आपका रिएक्शन चाहेंगे, ठीक है? ओके। फाइटर किसकी है? ऋतिक रोशन। अच्छा ऋतिक रोशन की। अच्छा यस, क्या कहेंगे उसका, उसका टीजर हम आपको दिखाते हैं। वाओ कैसी जालिम कोरियोग्राफी की है, कैमरोग्राफी। ओह टू फाइंड अस यू मस्ट बी गुड, टू कैच अस यू मस्ट बी फास्ट, टू बीट अस यू मस्ट बी जॉकिंग। ओह भाई इसने तो बेइज्जती कर दी, कमाल कर दिया भाई पठान। ओए होए वाह, ये तो अपने ऋतिक भाई लग रहे हैं। तो ये दीपिका साथ, हाँ जी। अच्छा एक अनिल सर भी इनकी इसके अंदर है, बहुत बड़ी कास्ट है। ओ दीपिका, अच्छा ये अनिल साहब नहीं कहते बुढ़े होने है ना बुढ़े तो नहीं होते लेकिन राज भी नहीं बताते यार, हम जैसों को राज ही बता दो कम से कम। वाओ कितनी अच्छी वीडियो है। ओ वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, रिपब्लिक डे विल नेवर। यार ये बंदा क्या है यार, 70 साल की उम्र में भी फाइटर का रोल, ऊपर जेट नीचे भी जेट, ओए हो यार ये इस्लामी वाह। अच्छा किसिंग सीन भी है व्हाट अ स्लोमो है फाइटर। भाई इंडिया जो है ना वो अपने झंडे को नहीं अकेला छोड़ता, ये बात तो माननी पड़ेगी। क्या एक्शन है यार, कमाल कर दिए यार। दीपिका फिर एक दफा सेक्सी बन गया आई ऐसे, उफ अल्लाह, उफ जेट के साथ, ओए होए यार क्या कमाल मूवी। इंडिया का झंडा निकाला बाहर, क्या कहेंगे, मतलब कमाल मूवी है। मैं तो कहूंगा, मैं तो ट्रेलर देख के मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे मूवी मिल जाए अभी, मैं मूवी देखूँ यार। ऋतिक और मुझे नहीं था पता कि ये इसका ट्रेलर आ रहा है, और अभी मैंने देखा ना, इट्स जस्ट लाइक वाओ, मतलब इतना अच्छा कैमरोग्राफी, इतनी अच्छी एक्शन, और वो मुझे लगता है आर्मी बेस है कुछ मूवी कुछ मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मिशन इम्पॉसिबल आ गई है पार्ट 7 या 8। नाइस। अच्छा, अनिल सर उसके अंदर है, मतलब अभी तो अनिल सर की मूवी आई है एनिमल, उसके बाद ये और दीपिका की भी पठान आई है, मतलब एक्टर्स तो बहुत अच्छे अंदर, और
अपना कास्ट भी बहुत अच्छी है और मूवी का जो ट्रेलर देखा मैं तो फैन हो गया हूँ अभी से। वैसे ऋतिक के फैन है क्रिस से, हम देख के थे क्रिस से, तो हम तो डाई हार्ड फैन है ऋतिक रोशन के। इसमें कमाल एक्शन है, मतलब एक जट ऊपर से जा रहा है, एक जट नीचे से, और कभी ऐसे यार। से क्या कहना चाहेंगे, ऋतिक रोशन लग नहीं रहे कि मतलब लाइक कितने अरसे से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं और उनकी क्या एज है, यंग लग रहे हैं, जो यंग लग रहे हैं। मैं मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे 30-32 के हैं। इंडिया जो है, इंडिया का कोई भी बंदा आप देख रहे हो ना, वो बहुत आपको पेट्रियोटिक नजर आएगा, अपनी कंट्री के लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी होगा। मोदी साहब अपने मुल्क में इतनी तरक्की याफ्ता चीजें कर रहे हैं, और ये जैसी मूवी है ट्रेलर देख के, तो अगर आपके पास लिंक है तो दे दे मुझे मैं तो देखूं ना पहले। सर आप YouTube पे वैसे तो सर्च कर सकते हैं, मूवी का कितना इंतजार है, कब आ रही है 21 जनवरी 21 जनवरी को। यार आपने मुझे आज ट्रेलर दिखा दिया, मैं अब लगता ट्रेलर ही देखता रहूंगा। मैं तो वैसे इस बंदे का इतना बड़ा फैन था, आपने मेरी याद ताजा करवा दी, वो बचपन वाली, मैं इसकी पिक्चर्स लेके घूमता होता था। हाय क्या बात है, मेरे बचपन की, मेरा बचपन का कह लो, क्रश ही कह लो यार, चलो कह लो यार। देखिए मेरे बचपन का ये है, और अभी तक बंदा बूढ़ा नहीं हुआ, ठीक है, और अभी तक यंग है, और हम जो है जवान होके बूढ़े हो रहे हैं, ये बंदा अभी तक रुक नहीं रहा। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह की परफॉर्मेंस है, जिस तरह की एक सिनेमेटोग्राफी हमें नजर आ रही है इस वक्त बॉलीवुड इंडस्ट्री में, ये लोग कहाँ जाना चाह रहे हैं? इंडिया की इस टाइम जो इंडस्ट्री है वो एक से बढ़कर एक मूवी निकाल रहे हैं, और इस टाइम मैं आपको कहूँ वहाँ पे मुकाबला लगा होगा। सलमान खान की मूवी आ रही है, शाहरुख खान की मूवी आ रही है, रणबीर कपूर की मूवी आ रही है, ऋतिक रोशन की मूवी आ रही है, अब डंकी मूवी भी आ रही है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, पहले एनिमल ने जो है रिकॉर्ड किया, बिल्कुल, अब एनिमल के बाद मुकाबला करने आई है जो है डंकी आ गई है, अब डंकी के बाद एंड पे आएगी मेरे शहजादे की, हाँ, ऋतिक रोशन की, ठीक है, और जहां तक मुझे लगता है भाई मेरा शहजादा जीतने वाला ऋतिक रोशन भाई। आज की पिछली मूवीज भी आप देख लेना, तो इस बंदे ने कमाल की एक्टिंग की है, और सबसे बेहतरीन इसमें पता मुझे क्या लगता है, इसकी आइज बहुत प्यारी है, हाँ ये क्रिश का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। और इस टाइम अगर मैं कहूँ ना एनिमल, डंकी और सबसे बेहतरीन मूवी कौन सी होने वाली है, तो वो भाई ऋतिक रोशन की होने वाली फाइटर है। फाइटर मूवी नाम ही उसका इतना कमाल का है। एनिमल का यार मुझे समझ नहीं, उन्होंने एनिमल फाइटर सबसे फाइट कर जाएगी, फाइटर सबसे फाइट कर जाएगी, ऊपर से है भी मेरा फेवरेट जो है वो एक्टर है, तो मैं तो भाई फुल एक्साइटेड हूँ, और जिस दिन ये रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करेगी आपने मेरे से दोबारा इंटरव्यू लेने आना। थैंक यू सर। तो आपको पता ही है ये तो 30 से ऊपर तो इनकी एज जाती नहीं है, 30 पे आके स्टॉप डॉट लगा देते रुक जाते हैं। शाहरुख खान आपको लग रहा है भाई? हाँ, बिल्कुल, ऊपर से अनिल कपूर को भी देख ले आप, अनिल कपूर इसके अंदर फाइटर। सर ओवरऑल कितने एक्साइटेड है इस मूवी के लिए, और क्या लगता है पाकिस्तान में रिलीज होनी चाहिए? बिल्कुल रिलीज होनी चाहिए, ये तो हम बहुत सारा स्टफ जो इंडियन है वो हम मिस कर रहे हैं, हाँ। अपने सिनेमाज में, और हमारे सिनेमाज भी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं, हाँ। पठान गई, गदर गई, गदर को तो वैसे ही लोगों ने बाइकाट कर दिया, और उसके बाद जवान, अभी डंकी आ रही है, वो वाटा, मतलब शाहरुख खान की भी कमाल मूवीज आ रही हैं। ऋतिक की अभी काफ़ी देर बाद मूवी आई है, और आई लव दिस मूवी, अभी से मैं लव कह रहा हूँ यार, ये मूवी सुपर हिट होगी, मूवीज पे मूवीज आ रही है, ये तो लॉलीवुड का मुकाबला, ब्लॉकबस्टर, बिल्कुल। थैंक यू।